बेहतर माहौल, बेहतर शिक्षा, बेहतर प्रयास अच्छे भविष्य की गारंटी होती है। आप सरावी के साथ रहेंगे तो सरावी कहलाएंगे, पंडित के साथ रहें तो ज्ञाता कहलाएंगे। जैसा साथ वैसा विकास, हमारी टीम ने कुछ बच्चों से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हमें बेहतर सुविधा मिले तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मेरे साथ कुछ युवा हैं, आज बात करूंगा इन्हीं युवाओं से। जिस तरीके से युवाओं को लेकर तमाम तरीके की बातचीत होती है, आपको क्या लगता है कि आप लोग उस तरीके से काम क्यों नहीं कर पाते, क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि पहले स्कूल अच्छे नहीं थे, पढ़ाइयाँ अच्छी नहीं होती थी, इसीलिए हम लोग कमज़ोर हैं। स्कूल अच्छे नहीं थे, पढ़ाई का वो माहौल नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों को वो चीज़ें नहीं मिली जो बड़े शहरों के लोगों को। क्या आपको लगता है कि अगर बेहतर स्कूल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको शहर में मिलता है तो आगे आने वाले बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने भी इतना ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस किया हुआ है कि अब हमको कहीं जाने पड़ता। पहले के लोग कितना मेहनत करते थे, हम लोगों ने बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्रियाँ पढ़ी कि नदी पार करके मतलब जाया करते थे, जिनके पास साइकिलें नहीं होती थी, लेकिन एक साहस होता था पढ़ने के, हमको पढ़ना है, कुछ करना है अपने जन्म। अब तो टेक्नोलॉजी और आगे हो चुकी है। एक जज्बा होता था पुराने ज़माने के लोगों में, वो मनोयोग से पढ़ने की कोशिश करते थे, सीखने की प्रेरणा के लिए वो काफ़ी दूर तक का सफ़र करते थे। उस ज़माने में कार भी नहीं थी, पैदल या साइकिल से जाया करते थे। आखिर आज के बच्चे ऐसा क्यों करने की करना चाहते हैं? कि उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है, और मेरे हिसाब से कि कुछ नशा उशा के भी लोग हो जाते हैं ना, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब सरकार कुछ कदम ले चुकी है और वो आगे कुछ प्रयास कर रही है, जिससे कि युवाओं को प्रोत्साहन मिले और युवा आगे बढ़े। एक युवा की सबसे बड़ी और सबसे आज की तारीख की ज्वलंत समस्या उसने उठाई, युवा नशे की तरफ जा रहा है। अगर नशा करेगा तो फिर काम कैसे करेगा, बाकी चीज़ों में दिमाग कैसे? तो क्या आपको लगता है कि युवा वाकई नशे की ओर जा रहा है, और इसको छोड़ने के लिए उसको क्या करना चाहिए? युवक, यहाँ के लोग इतने अच्छे के लोग हैं, खासकर बहुत लोग नशे करते हैं, इसी के लिए पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे तो नशे को छोड़ेंगे। पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे, नशा निश्चित रूप से छोड़ देंगे, माहौल भी उनको उस तरीके से। तो इसको बनाने के लिए, बेहतर माहौल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? क्या करना चाहिए कि जैसे कि हालत होती है, मतलब कि जैसे कि जो लोग गंदे रहते हैं उनके साथ रहेंगे तो गंदे के साथ रहेंगे। हाँ बताइए। जो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो अच्छे के रहेंगे, और जैसे गंदे लोग के साथ मिल गए तो फिर गंदे लोग के साथ रहेंगे। संगत का असर होता, अगर आप नशे करने वाले के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से आप भी नशा करते रहेंगे, ऐसा इस कहना था इस युवा। बताइए आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सही, जैसे भाई ने कहा, जैसे संगत का असर बहुत पड़ता है। अगर जो नशे लोग करते हैं, जो बच्चे नशे करते हैं, उन कुछ पेरेंट्स की भी गलती होती है, वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, और कुछ शिक्षा भी कमज़ोर हो जाती है, कुछ पैसों से कमज़ोर हो जाते हैं, और स्कूल पास नहीं होती है, उससे भी कमज़ोर हो जाते हैं लड़के। ये इन युवाओं का साफ तौर से कहना था, अगर हमको बेहतर माहौल मिले, आज की युवा को बेहतर माहौल मिले तो युवा बहुत कुछ कर सकता है। बेहतर माहौल का मतलब है, अगर उसको नशा करने वालों के साथ मिलेगा तो वो नशेची हो जाएगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ रहेगा तो पढ़ने लिखने लगेगा, कुछ इस तरीके का कहना था इस टीम का, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। न्यूज़ नेटवर्क टुडे लगातार ऐसे ही लोगों से बातचीत करती रहेगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे बच्चे जो साफ तौर से कहते हैं कि नशे को करना अच्छी बात नहीं है, लगातार इनसे प्रेरणा लेके वो बच्चे जो नशा करते हैं वो भी छोड़ दें। आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान जावेद अंसारी को इजाज़त।